नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूँ रेखा। और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं झूठ बोलने की आदत पर। जी हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बचपन से ही यहाँ पर झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना बात के झूठ बोलने लगते हैं। तो ये आदत किन कारणों की वजह से आती है, कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जो कि इसके जिम्मेदार होते हैं, इसके पीछे होते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश पंडित जी से करेंगे। और साथ ही साथ उपाय भी जानेंगे कि ये जो आदत है, बुरी आदत है, वो किस प्रकार छोड़ी जा सके। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुडलक मंत्र के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एसी में दिन भर रहते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं गर्मी में, या गर्म कमरे से बाहर निकलते हैं ठंड में, आपको सर्दी जुखाम या बुखार की समस्या हो जाती है। इसकी एक ट्रिक है, जब आप एसी से बाहर निकल रहे हैं या जब आप किसी गर्म जगह से ठंडी जगह में निकल रहे हैं, तो बाहर निकलते समय सांस अंदर खींच लीजिए, और बाहर जब निकल जाएं तब कुछ क्षणों के बाद, 4-5 सेकंड के बाद अपनी सांस को छोड़ दीजिए। इससे आप कोल्ड कफ की समस्या से, जो गर्म सर्द की समस्या है, इस समस्या से आप पूरी तरह से बचे रहेंगे। तो ये कब महाप्रयोग, एक महा उपाय जो पंडित जी ने आपको बताया है यहाँ पर गुडलक मंत्र के जरिए, इस उपाय को आप भी आजमा सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई एसी में यहाँ पर रहता ही है, तो इस तरीके की समस्या से दो चार उसको होना भी पड़ता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब पंचांग की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं 8 जनवरी यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 8 जनवरी 2023, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक, और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है, और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दिन आपका शुभ बीते, एक अच्छी शुरुआत आपके दिन की हो, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आज के हमारे विषय पर आ जाते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं झूठ बोलने की आदत पर। तो सबसे पहले पंडित जी से हम यही जान लेते हैं कि कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं, और ग्रहों का इसके साथ किस तरीके से संबंध होता है आपकी झूठ बोलने की आदत पर। पंडित जी, जीवन में जैसी भी शुभ और अशुभ आदतें होती हैं, वो आपके ग्रहों की वजह से आपके अंदर पैदा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह ही कहते हैं कि तुम झूठ बोलो, वो इंस्टिगेट करते हैं। ग्रह जो होते हैं वो आपके अंदर एक प्रभाव पैदा करते हैं कि ऐसा करो, विल पावर मजबूत है, आप उसे काट के आगे बढ़ सकते हैं। विल पावर कमजोर है तो आप उसके शिकार होंगे और वैसा ही करेंगे। झूठ बोलने की जो आदत है, कहां से आती है वो, अगर हम ग्रहों से समझें तो कुंडली का दूसरा खाना द्वितीय भाव, तृतीय भाव तीसरा खाना, और अष्टम भाव आठवां खाना, ये वाणी से संबंध रखता है। यानी इन भावों से आप देखते हैं कि व्यक्ति बोलता कैसा है, व्यक्ति की स्पीच कैसी है। इसके अलावा बुध वाणी का मुख्य ग्रह माना जाता है, यानी आपकी वाणी कितनी इम्प्रेसिव होगी वो बुध के साथ आगे बढ़ेगी। कुछ अंशों में बृहस्पति भी वाणी को नियंत्रित करता है, यानी बुध और बृहस्पति इसके प्रमुख ग्रह हो गए। दूसरा, तीसरा और आठवां भाव इसका प्रमुख भाव हो गया। इन भावों के खराब होने पर व्यक्ति की वाणी दूषित हो जाती है,
और अगर इनमें पाप ग्रह बैठ जाएं सामान्यतः, हालांकि उसके भी अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः अगर इसमें पाप ग्रह हो तो व्यक्ति झूठ बोलता है। इन भावों पर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति स्थायी रूप से परमानेंटली झूठ बोलता है। बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हो तो वाणी अद्भुत होती है, और अगर बृहस्पति वाला व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो दूसरों के हित के लिए बोलेगा, दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए बोलेगा। शास्त्रों में असत्य की जो परिभाषा दी गई है या जो झूठ की परिभाषा है वो ये नहीं है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रुथ बोलिए, उसको रित कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा बोल देना इसको रित कहते हैं। और कोई आदमी परेशान है, उसका पीछा कोई कर रहा है, उसको मारने के लिए आपने उसको अपने घर में छुपा लिया, दूसरे आदमी ने पूछा तो आपने कहा कि वो घर में नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं उसको, तो ये झूठ नहीं है, ये बेसिकली आपने उसके हित की रक्षा की है, तो इसको आप झूठ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। बिना वजह के झूठ बोलना, झूठ बोलने की आदत डेवलप कर लेना, ये जो चीजें हैं जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच सकता हो, वहां पर जो झूठ का पार्ट है वो थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। तो ग्रहों की क्या भूमिका होती है झूठ बोलने की आदत के पीछे, ये पंडित जी से हमने समझने की कोशिश की है और इसी पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। देखिए पहले की तुलना में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ध्यान बनाए रखिए। परिवार में बेवजह के विवाद ना हो उससे बचिए, और धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके निसंदेह सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंताएं इस समय थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी से हमने जान लिया है, पंडित जी ने आपको आपका भाग्यफल बता दिया है, और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम आपसे कुछ ही देर में जानेंगे। फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का, देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें संगीता देवी ने लिखा है, झारखंड से लिखती हैं। अपनी पुत्री जया कुमारी के बारे में जानना चाहती हैं। जया की जन्म तारीख है 5 मई 1998, जन्म का समय है शाम को 5:44, और जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये कह रही हैं कि इनकी बिटिया जो है वो बिहार पीसीएस की बीपीएससी की तैयारी कर रही है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है, करियर कैसा रहेगा और विवाह कब तक होगा। संगीता जी, आपकी पुत्री जया की कुंडली बनती है तुला लग्न की, और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि।
कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग जरूर बनते हैं। आप अपनी बेटी को कहें कि वो प्रशासनिक सेवा की ठीक से तैयारी करे। अगर वो ठीक से तैयारी करती है तो 2024 के आखिरी में या 2025 में किसी समय इनको प्रशासन में अच्छा पद मिल जाएगा। विवाह होगा आपकी बेटी का 28 साल पूरा करने के बाद, यानी 2026 के आखिरी में इनके विवाह की संभावना बनती है। और जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा ताकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए। अब इनका सिलेक्शन बिहार में हो जाए, बिहार प्रशासनिक सेवा में हो जाए और करियर अच्छा रहे, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक, अपनी बेटी को पन्ना पहना दें, और दूसरा, अपनी बेटी को बोलें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। झूठ बोलने की हम बात कर रहे हैं, आदत अगर किसी को है तो उसके लिए आज का ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है। तो पंडित जी, झूठ बोलने से भाग्य पर क्या असर पड़ता है? आपकी जो वाणी है ना, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वाणी से आपके संबंध बनते बिगड़ते हैं और आपकी वाणी आपके भाग्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। क्या असर पड़ता है? अगर आप बहुत झूठ बोलते हो, लगातार झूठ बोलते हो, तो आपको धन का उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, धन को लेकर के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं उनका पारिवारिक जीवन बिगड़ जाता है। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव है, जहां से हम बोलना देखते हैं कि आदमी बोलता कैसा है, उसी भाव से हम देखते हैं कि उसका पारिवारिक जीवन कैसा है, उसी भाव से हम देखते हैं कि धन कैसा है। तो ये दोनों ही मामला बिगड़ जाता है। व्यक्ति को जीवन में अनावश्यक संघर्ष भी करना पड़ता है। संपत्ति के, प्रॉपर्टी के और धन के विवादों को झेलना पड़ता है। प्रॉपर्टी की मुश्किलें और पैसे की मुश्किलें व्यक्ति को जीवन में परेशान करती हैं। ज्यादा झूठ बोलते हैं अगर, और ज्यादा झूठ बोलने की आदत अगर आपने डेवलप कर ली है, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो भी स्वीकार नहीं होगी। उसका कारण यह है कि पहले जमाने में देखिए, लोग हमेशा सच बोलते थे तो वो आशीर्वाद भी देते थे तो वो सच होता था, शराब भी देते थे वो सच होता था। अब अगर आप लगातार झूठ बोलेंगे तो आपका आशीर्वाद भी काम नहीं आएगा, शराब तो खैर आ ही नहीं सकता, और जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं जिस मुंह से लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होगी। तो चलिए, झूठ बोलने की आदत को लेकर यहाँ पर बात आज हम पंडित जी से कर रहे हैं, इसी पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में आपके लिए बदलाव के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र का तनाव थोड़ा कम होगा, ऑफिस की स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, सेहत पर ध्यान बनाए रखिएगा, बड़ों की सलाह से इस समय आपको लाभ हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई राशियों की। कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, और राशियों के बाद हम हर रोज आपका सवाल लेते हैं। तो अब वक्त हो गया है एक बार फिर से आप लोगों की ईमेल्स लेने का। तो देखते हैं अगला जो ईमेल के जरिए सवाल हमें भेजा है वो किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें आशीष गुप्ता जी ने लिखा है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1994, जन्म का समय है 9:36 सवेरे, जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय में जाऊं, क्या मैं मांगलिक हूं और अपना मकान मेरा कब तक हो पाएगा। आशीष, कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। ये कुंडली फिलहाल ये इशारा कर रही है कि आप प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतर नौकरी पा जाएंगे, और ये नौकरी अभी कम से कम उम्र के 32 साल तक 2026 तक करिएगा। उसके बाद आप कोशिश करें व्यापार में जाने की, लेकिन फिलहाल की संभावना यही है कि आप प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी पा जाएंगे, उसी दिशा में फोकस करना चाहिए। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल है, बिल्कुल पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो कुंडली आपकी कहती है कि भाई आप मांगलिक तो हैं, विवाह कुंडली मिला करके ही करेंगे। और अपना मकान, अपनी एक प्रॉपर्टी आप बना सकेंगे या ले सकेंगे 2025 में, इसकी संभावना दिख रही है। अब आपका करियर अच्छा हो, आपकी नौकरी की व्यवस्था बेहतर हो, क्या करेंगे उसके लिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आपको हमें ईमेल कैसे करना है। अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, झूठ बोलने से कुंडली के किन ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, झूठ जब आप बोलते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी की भलाई के लिए, शुभ कार्य के लिए झूठ बोलने को झूठ की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन बेवजह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से या दूसरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी कुंडली का बृहस्पति खराब होता है। कुंडली के सारे पाप ग्रह मजबूत हो जाते हैं, और राहु जो है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो माया को रचता है। ज्योतिष में राहु मतलब माया, मां मतलब नहीं, या मतलब है, जो नहीं है वो राहु है, माया का स्वामी है। इसीलिए जब आप बहुत झूठ बोलते हैं तो राहु विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटने लगती हैं। व्यक्ति जीवन में कभी न कभी अपने चक्कर में फंस जाता है। एक बहुत पुरानी सी कहावत है कि झूठ बोलने वाले को ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, ज्यादा याददाश्त ठीक रखनी पड़ती है, क्योंकि उसने कहां झूठ बोला है ये उसे याद रखना होगा, और जो सच बोलता है उसे इस बात को याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा बोल रहा है। तो
तो जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो कभी ना कभी अपने चक्कर में फंसते हैं, राहु उन्हें किसी न किसी मुश्किल में डाल देता है। तो झूठ बोलने की अगर आदत आपको है तो किस प्रकार आपके जीवन पर वो प्रभाव डालता है, कैसे आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं उस पर असर होता है, ये पंडित जी से आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय भी आपको बताएंगे कि ताकि आपकी ये जो बुरी आदत है वो कम हो जाए, उससे थोड़ा छुटकारा आपको मिल जाए। लेकिन फिलहाल अगली तीन राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनुराशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, छोटी यात्रा के योग भी फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी मेहनत से भी ज्यादा अधिक से अधिक फायदा आपको अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में तनाव से बचाव करिए, वाहन सावधानी से चलाएंगे, धन हानि से बचने का प्रयास करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने यहां पर आपको बता दिया है। आगे आखिरी जो तीन राशियां हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। तो देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और उनकी समस्या क्या है। पंडित जी, जी। अगला प्रश्न हमें प्रज्ञा श्रीवास्तव ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 30 दिसंबर 1995, जन्म का समय है 1:45 दोपहर में और जन्म का स्थान है कानपुर। प्रज्ञा पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने का योग कब है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मैं विदेश में जा करके परमानेंटली वहां पर बस सकती हूँ या नहीं बस सकती हूँ। प्रज्ञा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुल उम्र लगभग 27 साल हुई है, तो आपकी शादी का समय तो देखो शुरू हो गया है। 2023 में आपकी शादी हो जाएगी, जून से दिसंबर के बीच में, और विवाह के बाद आप विदेश जाएंगी भी, विदेश में सेटल होंगे भी। कुंडली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी चिंता की जाए। हम सिर्फ एक चीज़ के लिए उपाय करेंगे, आपके क्रोध और आपके तनाव पालने की आदत के लिए। आपका क्रोध कम हो, तनाव पालने की आदत दूर हो जाए, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, और जहां तक संभव हो बहुत ज़्यादा लाल रंग का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। तो सवाल जवाबों का ये सिलसिला हर रोज हम जारी रखते हैं, तो अगर आज आपका सवाल हम नहीं ले पाए हैं तो उम्मीद करते हैं कि कल आपका नंबर ज़रूर आएगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं अपना सवाल लिख भेजिए इसी मेल आईडी पे जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, झूठ बोलने की आदत, जैसा कि हम शुरुआत से बता रहे हैं कि क्यों होती है, कौन से ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं और किस तरीके से हमारी कुंडली पर यह असर डालते हैं, लेकिन अगर कोई छुटकारा पाना चाहे, निजात पाना चाहे झूठ बोलने की आदत से, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे।
देखिए, आदतों से छुटकारा पाने की सबसे बड़ी जो ताकत होती है उसे कहते हैं विल पावर। ज्योतिष के जो उपाय हैं ये आपके विल पावर को बढ़ा देते हैं ताकि आप उस समस्या से जूझ सकें, उस समस्या का सामना कर पाएं और उस समस्या से निकल पाएं। समस्या नहीं बदलती है, आप बदल जाते हैं। तो झूठ बोलने की जो आदत है इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे ज्यादा अपने विल पावर को मजबूत करना है। और उसके लिए क्या उपाय करने हैं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, 10 बजे के पहले अर्पित कर दें स्नान करके तो बहुत अच्छा होगा। वैसे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो सबसे अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मतलब मेंटल रिपेयरिंग का मंत्र है, यानी आपके मन में जितनी भी कलुषिता है, जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको पूरी तरह से मिटा देगी अगर आप गायत्री मंत्र सुबह शाम जपते हैं। अपने कंठ पर सफेद चंदन लगाइए, अपने कंठ पर यहां पर सफेद चंदन रोज पूजा के समय लगा लीजिए, लगे रहने दीजिए। और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना, दोनों तो खैर नहीं पहनेंगे, दोनों में से कोई एक रत्न जो आपको सूट करता हो, पीला पुखराज हो या पन्ना हो, वो आपको पहनना चाहिए। और जहां तक संभव हो मांसाहार से बचिए, नॉनवेज फूड त्याग दीजिए। अगर आप ऐसा करें ज्यादा नहीं एक महीने के अंदर आपकी वाणी में, आपके सोच में, आपके स्वभाव में तात्कालिक रूप से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ये उपाय करिए, अपने विल पावर को बढ़ाइए और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी सारी कमियों को आप दूर कर लीजिए। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बता दिए हैं जिससे कि आप भी जो झूठ बोलने की आदत है उससे छुटकारा पा सकते हैं। इन उपायों को जरूर आजमाइएगा, आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ, देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, ऑफिस की कार्यालय की समस्या आपकी हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जिम्मेदारियां आपकी इस समय बढ़ सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, काम की अधिकता इस समय आपके साथ रह सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, काम का दबाव आपका कम होगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमें बता दिया है कि भाग्यफल क्या कहता है, आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है और आपका दिन कैसा बीतने वाला है। और इसी के साथ वक्त भी हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है वो हम किसका लेने जा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सुयश जी ने लिखा है, चंडीगढ़ से लिखते हैं ये।
जन्म की तारीख है इनकी 11 मई 1979 जन्म का समय है 9 बजे प्रातः, जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये लिख रहे हैं कि पत्नी पिछले 3-4 सालों से इनसे दूर रह रही है, रहते एक ही शहर में हैं, लेकिन पत्नी फिलहाल इनसे दूर रहती है, इनके एक बच्चे को लेकर के अपने साथ में रहती है और डिवोर्स भी नहीं दे रही है, साथ में रहना भी नहीं चाहती है। तो इस विवाह का भविष्य क्या है, विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा। सुयश, आपकी कुंडली में डिवोर्स जैसे योग इतने मजबूत हैं भी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, पत्नी के साथ दोबारा आपका पैचअप होगा, पत्नी आपकी वापस आएंगी, आपकी पत्नी और आपका बच्चा तीनों एक साथ चैन से रह पाएंगे आने वाले समय में, इसलिए डिवोर्स के बारे में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उपाय किया जाए कि आपका वैवाहिक जीवन बचे, पत्नी वापस आ जाए, चीजें रास्ते पे आ जाएं? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना करें इस समस्या को सुलझाने की, उससे भी आपके जीवन में सुधार जरूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ, देख लेते हैं 8 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 8 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। इस साल में बेवजह के वाद विवाद ना हो, बेवजह के मुकदमे ना हो, उससे बचिएगा। कुल मिलाकर राहत की बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी और अक्टूबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे, पूरे साल भर भगवान शनि की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो झूठ बोलने की आदत पर यहाँ पर चर्चा आज हम पंडित जी से कर रहे हैं, कौन से ग्रह इसके पीछे होते हैं ये पंडित जी से हमने समझा, कुछ उपाय भी यहाँ पर पंडित जी ने हमें बता दिए हैं। लेकिन पंडित जी, छोटे बच्चों में भी हमने देखा है कि अक्सर यहाँ पर झूठ बोलने की जो आदत है वो डेवलप हो जाती है, तो छोटे बच्चों में ये आदत और ना बढ़े ना पनपे, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, बचपन में खास तौर से 8 साल से लेकर के 12 साल तक का जो टेन्योर है ना, 4 साल का जो बीच का पीरियड है, ये शुभ आदतों के और अशुभ आदतों के पैदा होने का समय है। तो आपके बच्चे की उम्र अगर 8 के आसपास है, 12 के अंदर है, तो इस उम्र में आप अपने बच्चे को संभालिए। इस उम्र में एक तो बच्चे को बगल में बैठा करके, या तो आप खुद गायत्री मंत्र पढ़िए भाई 9 बार 27 बार और बच्चे को बगल में बैठाइए, वो सुनता रहेगा, या अपने बच्चे को सिखाइए कि कम से कम वो सुबह शाम 3-3 बार या 5-5 बार, छोटा बच्चा है तो 3-3 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़े और गायत्री मंत्र सुने। ये अंदर से रिपेयरिंग करेगा बचपन से ही, तो बच्चे के अंदर झूठ बोलने की अगर आदत आ भी गई है तो वो आदत चली जाएगी। दूसरे नंबर पर छोटे बच्चों के साथ जिस चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो चीज़ है उनके खाने पीने की आदतें। चिप्स भी खा रहे हैं बच्चे, उल्टी सीधी टॉफियां खा रहे हैं, राम जाने कौन कौन सी चीज़ें खाने पीने की आती हैं वो भी खाते हैं, फास्ट फूड भी खाते हैं और माता पिता खिलाते हैं कि ठीक है बच्चा कह रहा है तो खिला दो उसे फास्ट फूड। देखिए, आपका बच्चा जो खा रहा है ना, वो अभी तो खा रहा है लेकिन उसके संस्कार बड़े प्रबल रूप से आगे तक बने रहेंगे और ये प्रबल संस्कार उसके स्वभाव को, उसकी वाणी को और उसकी सोच को प्रभावित करेंगे। इसलिए 12 साल तक अपने बच्चे को बिल्कुल सात्विक रखिए, फास्ट फूड से जहाँ तक संभव हो 99% मत ही खिलाइए तो अच्छा होगा। 12 साल पूरा हो जाने के बाद एक बार फूड हैबिट और संस्कारों ने जड़ पकड़ लिया ना,
तो उसके बाद भले ही बच्चा कभी फास्ट फूड खा ले तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो एडिक्टेड नहीं होगा। इसलिए वो झूठ ना बोले, गलत आदतों में ना जाए, उसके खाने पीने पर क्या खाता है, कैसे खाता है, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर इस पर आप फोकस कर देते हैं तो आपके बच्चे की तरक्की की और सही रास्ते पे चलने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और सवाल पंडित जी आज जो है मेरा, वो शिवलिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता, तो क्या वाकई में घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हैं? देखिए रेखा, घर में शिवलिंग की स्थापना अवश्य की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते, 6 इंच से ज़्यादा बड़ा, या मोटे तौर पे आप कहें कि 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और जब शिवलिंग आप रखें अपने घर में, तो शिवलिंग का जो आगे का मुख है, जो उसकी वेदी का मुख है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना या पारद शिवलिंग रखना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो चलिए, जिज्ञासा का जो सवाल था वो पंडित जी ने उसका जवाब दे दिया है और हमारी जो जिज्ञासा है उसे दूर कर दिया है। आगे बढ़ते हुए शुभपहर भी जान लेते हैं कि 8 जनवरी यानी कि रविवार का शुभपहर क्या है पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की, दिनांक 8 जनवरी 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 8 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वक्त अब हो जाता है गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशियों के दिमाग और बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुडलक राशि है ये कन्या है, वर्गो। ये बाकी मामलों में सामान्य बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जहां पैसे की बात आती है वहां इनका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है। अच्छे दिमाग के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए इनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनिदेव की उपासना करने से दिमाग शार्प होगा, ब्रेन शार्प होगा और सही रास्ते पे चलेगा, केवल पैसे के पीछे नहीं भागेगा। तो गुडलक राशि के बारे में भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है, कन्या राशि के बारे में आज हमने जाना। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, दूसरों पर अपना शुभ प्रभाव, अपना अच्छा प्रभाव डालना चाहते हो, तो क्या करेंगे, स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए, चंदन की खुशबू लगाइए। रोज सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक पेरीडॉट, अगर आप चाहें तो एक पेरीडॉट का लॉकेट या अंगूठी बनवाकर भी पहन लें, इससे भी आपको लाभ होगा। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ आज का जो विषय था उसके बारे में जानकारी हमें देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।